अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज 24th जून को जो टेस्ट हुआ है सुबह को मॉर्निंग सेशन वाला, वो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसकी की आप काइंडली वेरीफाई कर लीजिएगा जो जो भी टेस्ट करके आ गए हैं, और जिनका कल और परसों टेस्ट है या शाम को टेस्ट है वो भी चेक कर लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ लॉग 9 टू द पे बेस 27 इज वॉट। तो हम इसको क्या रखेंगे, वॉट मतलब वाई का इक्वल रख लेंगे। हमारे पास मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया है कि लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर होता है, और इसका अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं तो ये जो ए है इस पर पावर आ जाएगा ये वाला वाई, और ये बराबर हो जाएगा इस एक्स के। तो अब देखिए, हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं लॉग ए की जगह पर देखें क्या लिखा हुआ है, 27, एक्स की जगह पर लिखा हुआ है 9 इज इक्वल टू वाई। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिए, ए की जगह पर देखें क्या लिखा हुआ है, 27, तो हम क्या लिखेंगे, 27। अब देखें इस पर जो पावर है वाई, वो वाई है, वाई लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स की जगह पर देखें, एक्स की जगह पर लिखा हुआ है क्या, एक्स की जगह पर लिखा हुआ है 9, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9। अब देखिए, बेस इसका है 27 और इसका बेस है 9, दोनों का बेस क्या बनाना है, सेम। तो बेस हम क्या बनाएंगे, 3, 3 पर पावर 3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 27 के, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये वाला y इज इक्वल टू 9 जो है, 9 को भी हम 3 लिख सकते हैं, और इस पर पावर क्या देंगे, इस पर पावर देंगे 2। तो अब ये जो 3 और 3 है ये कैंसिल हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 2 बचेगा, और y की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। सो 2/3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 60° प्लस साइन स्क्वायर 30°। कॉस 60 1/2 के बराबर होता है, और इस पर क्या है, स्क्वायर, तो इसलिए स्क्वायर दे दिया, प्लस साइन 30 भी 1/2 के बराबर होता है। ये मेरा लेक्चर आप देख लेते तो आपको बहुत आसानी हो जाती कि साइन 60 भी 1/2 के बराबर है, और कॉस 60 भी 1/2 के बराबर है, और साइन 30 भी 1/2 के बराबर है, और इस पर भी क्या है, स्क्वायर, तो इधर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, इधर भी 1/4, LCM क्या होगी, 4, तो ऊपर क्या होगा, 1+1 जो कि हो जाएगा 2/4, टेबल लग जाएगी तो यह हो जाएगा 1/2। ऑप्शन इसका क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, 330 पिजन्स और डैश फ्रैक्शंस ऑफ 990 पिजन्स। तो हम क्या करेंगे, 330 डिवाइडेड बाय 990 हम लिखेंगे, तो आप आसानी से ये जीरो और ये जीरो काट देंगे, 33 की टेबल 1 टाइम, 33 की टेबल 3 टाइम्स, तो जवाब क्या आया, 1/3। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट। मैंने हमेशा आपको बताया कि जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो तो फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर होती है। तो अब आप अगर इन चारों ऑप्शंस में देखें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कहाँ बड़ा है, ए में बड़ा नहीं है, बी में अगर देखें तो 11 नहीं बड़ा, अगर हम डी में देखें वो भी बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम सी में देखें तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि 11 इज़ ग्रेटर देन 10। क्वेश्चन नंबर 45 अगर देखें तो 2z/5 प्लस 21/3 इज इक्वल टू 9। इसकी LCM क्या होगी, 15, 5 की टेबल 15 पे 3 टाइम्स, और 3 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6z प्लस 3 की टेबल 15 पे 5 टाइम्स, 5 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 105 इज इक्वल टू 9। ये 15 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर तो बचेगा 6z प्लस 105 इज इक्वल टू 9, 15 = 135। ये जो 105 है प्लस का है, उस साइड जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, ये हो जाएगा 6z इज इक्वल टू 135 माइनस 105, तो 6z बराबर हो जाएगा 135 माइनस 105, दिस वुड बी 30, और 6 की टेबल 30 पे 5 टाइम्स लगेगी, इसलिए z इज इक्वल टू 5, तो 5 आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये फ्रैक्शन है तो 1300 डिवाइडेड बाई 2600, तो 20 तो कैंसिल हो गए, बाकी 13 की टेबल 1 टाइम, 13 की टेबल 2 टाइम, से जवाब आया 1/2, और 1/2 मतलब हाफ, जो के बराबर होता है 0.5 के, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, 25% ऑफ 60 माइनस 15% ऑफ 80। परसेंटेज का मतलब होता है 25%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बाय 60, माइनस 15% का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई,
और इधर क्या होगा 80. अब क्या करेंगे हम, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल कर देंगे. 625 सा 150 डिवाइडेड बाय दिस 10 माइनस ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा. 815 सा 120 डिवाइडेड बाय ये वाला 10. तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ऊपर बचा 15 और इधर राइट पे बचा 12. तो 15 माइनस 12 जवाब आया 3. ऑप्शन इसका डी करेक्ट है. 48 देखिए, द डेसिमल नंबर 33 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम. तो 33 को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे बाइनरी में तो हम 2 की टेबल लगाते जाएंगे. 2 की टेबल क्यों, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो कितनी दफ़ा जाएगी, 16 टाइम्स. रिमाइंडर कितना बचेगा, 1. 2 की टेबल 8 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0. 2 की टेबल 4 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0. 2 की टेबल 2 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा, 0. 2 की टेबल 1 टाइम, रिमाइंडर बचेगा, 0. तो हम कहानी को यहाँ से पकड़ेंगे, इस 1 से लेकर इस 1 तक जाएंगे. तो देखें पहले क्या है, 1, फिर 0, फिर 0, 0, 0, और फिर क्या है, 1. तो 1, 00, 001. तो ऑप्शन इसका क्या है, ए. क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ये आसान सा सवाल था. 169 कैंसिल, 123 कैंसिल, 27 की टेबल 1 टाइम, 27 की टेबल 4 टाइम्स. तो जवाब क्या आया, 1/4. क्वेश्चन नंबर 50, बी डिफरेंस ए करना है तो पहले आपको किसके सेट एलिमेंट्स लिखने हैं, बी के, ये वाले एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 7. फिर क्या है डिफरेंस, फिर ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1, 2, 3 एंड 6. इसमें हम कैंसिल क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे 2 एंड 3, ये कैंसिल हो गया. बाकी बी डिफरेंस ए जो है वो बराबर हो गया किसके, 4, 5, 7. तो जवाब इसका क्या है, सी. 51 देखें, रोशन बॉट अ बाइक ऑफ 60,000, ही वांट्स टू सेल इट बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 15%. द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक, ये कल एक सवाल था, यही सवाल था कि रोशन बाटा बाइक या कोई चीज़ उसने खरीदी है 60,000 की और उस पर प्रॉफिट जो है, उस पर डिस्काउंट जो है वो कितना है, 15% है. आज इन्होंने क्या दिया है, प्रॉफिट कितना है, 15% है. द सेलिंग प्राइस मतलब वो जो बाइक है वो कितने की है, 60,000 की है. उस पर वो, उसको वो 15% के प्रॉफिट पे अगर बेचना चाहता है तो कितने में बेचेगा, मतलब उसको जैसे प्रॉफिट हो कितना परसेंट, 15%. तो अब क्या करेंगे, 15% ऑफ 60,000 लिख लेंगे. 15% मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और ऊपर क्या लिखेंगे, 60,000. अब दो जीरोस जो हैं, एक दो कैंसिल, बाकी 615 ज़ा 90 और ये दो ज़ीरो आ जाएंगे, तो ये दो ज़ीरो 9,000. तो प्रॉफिट वो कितना होगा उसको, 9,000 का. तो अब देखो वो कितने की बेचेगा, उसने ली कितने की है, 60,000 की, और उसको 9,000 का प्रॉफिट हो तो वो कितने की बेचेगा, हम इसमें 60,000 ऐड कर देंगे. अब ये हो जाएगा 69,000. मतलब वो अगर 60,000 की बाइक 69,000 में, 60,000 की बाइक अगर 69,000 में बेचेगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, 15% होगा. तो ऑप्शन क्या होगा, 69,000. क्वेश्चन नंबर 52 देखें, अ ट्रायंगल दैट हैज़ बेस 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर. मतलब उसका जो बेस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और उसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ऐसे होता है, एल्टीट्यूड कितना है, 6 सेंटीमीटर. तो उस ट्रायंगल की जो एरिया है, उस ट्रायंगल की, वो एरिया कितनी होगी. तो हम एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड. तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है, बेस है 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड है 6 सेंटीमीटर. यहाँ पर टेबल लगेगी 2 की टेबल 6 टाइम्स, तो बचा कितना, 6, 6 36. तो 36 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसकी एरिया हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 53 देखें, द एवरेज एज ऑफ 4 गर्ल्स. तो यहाँ पर ये जो 4 गर्ल्स हैं ना, इनका ये सवाल गलत है. यहाँ पर होगा 3 गर्ल्स होगा. तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर 100% जो है वो एक मार्क मिलनी चाहिए, ठीक है. दी एवरेज एज ऑफ 4 गर्ल्स, यहाँ पर होगा 3 गर्ल्स. दी एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 20 ईयर्स. एंड गर्ल्स कितनी हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 3 हैं, और उनकी जो एवरेज है, टोटल एवरेज कितनी है, 20.
और उनका जो रेशो है वो कौन सा रेशो है, 4:5:7, मतलब एक लड़की की एज अगर हम मान लें, लेट देयर एजेस आर, लेट देयर एजेस आर कौन सी होंगी, 4x, 5x and 7x, उनकी एज ये होगी, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 4x + 5x + 7x / 3 = 20, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एजेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एज, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एवरेज के बराबर होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सो सम ऑफ ऑल एजेस, इनको हमने क्या कर दिया, इन एजेस को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और इसको 3 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि 3 गर्ल्स हैं, 1, 2 और 3, और इनकी एवरेज कितनी है, एवरेज है 20 ईयर्स, इसलिए 20 लिखा। अब यहाँ पर ये यह जाएगा तो हो जाएगा 60, और इनको अगर ऐड करें, 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16, 16 एक्स इज इक्वल टू 60 ईयर्स। तो एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें, एक्स इज इक्वल टू 60/16 हो जाएगा। एक तरीका तो ये भी है, एक तरीका ये है कि आप इनकी एजेस को, या इसको आप थोड़ा सा हटा दें इस तरीके को, इससे सवाल हमने लास्ट टाइम किए थे, लेकिन लेट द एजेस, आप इसको ऐसा कर दें कि 4:5:7 है, इनको आप ऐड करें, तो 4 + 5 + 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आपको जो बड़ी लड़की है, मतलब ओल्डेस्ट गर्ल है, उसकी अगर एज फाइंड करनी है, तो एक जो 4 वाली होगी वो कम होगी, 5 वाली उससे भी कम होगी, और जो सबसे बड़ी होगी वो कौन सी होगी, 7 वाली होगी। तो हम क्या करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय टोटल एजेस, 16 इनटू एवरेज कर देंगे, एवरेज कितनी है, 20। तो अब ये जो एज होगी, 16 की टेबल 4 टाइम्स, 16 की टेबल कितनी दफ़ा, 5 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 डिवाइडेड बाय कितना, 4, तो जवाब आ जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 8.75, मतलब 8 ईयर्स एंड 0.75 है, मतलब 9 मंथ्स, तो ये जवाब होगा। तो जवाब भी इसमें आपके पास अवेलेबल नहीं है, है ना, 15 साल, 9 साल, 18 साल और 35 साल, ये 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, जो नियरेस्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा, 9 ईयर्स, लेकिन एग्जैक्टली 9 ईयर्स नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका ऑप्शन तो 9 होगा, लेकिन ये सवाल में बहुत सारी गलतियां हैं, ये 4 जो है, 4 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, और उसके साथ साथ ये जो ऑप्शन है यहाँ पर 8 ईयर्स और क्या लिखेंगे, 8 ईयर्स एंड 9 मंथ्स लिख लेंगे, मतलब 9 साल। क्वेश्चन नंबर 54, इफ 16 मैन टेक 20 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, 16 men है, 20 days to complete a work, the number of men will complete the work in 40 days, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, men, मैंने आपको ये बता दिया है पहले ही, men का लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे, number of days, तो men कितने हैं, 16, यहाँ पर 16 लिखेंगे, और days कितने हैं, 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। उसके बाद the number of men, men हमें find करने हैं, जबकि complete the work in days कितने हैं, 40, और ये ratio आपको पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा ratio है, inverse या indirect proportion, ठीक है। तो ये आएगा नीचे, या ये चला जाए मान लीजिए ऊपर, और ये चला जाए नीचे, तो ये हो जाएगा x:16 = 20:40। तो इनकी आपस में क्या करेंगे, आप एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मल्टीप्लाई बाय 40 होगा, और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 20 होगा। तो अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय ये जो 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर देगा, तो ये जो 0 है, 0 और 0 कट जाएगा, 2 की टेबल या 4 की टेबल 1 टाइम, 4 की टेबल 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 8, 8 जो आदमी होंगे वो 40 दिनों में वही काम करेंगे जो 16 आदमी 20 दिनों में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, the ratio of 2 minutes to 60/100 seconds, 2 minutes to 60/100 seconds, अब हम जानते हैं कि ये तो 2 minutes हम सेम लिख लेते हैं, रेशो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, तो सोचो 10 मिनट में कितने होंगे, 10 मिनट में होंगे 600 सेकंड्स, तो ये जो 600 सेकंड्स हैं बेसिकली ये क्या हैं, 10 मिनट्स हैं। अब यहाँ पर टेबल लग जाएगी, टेबल लगेगी 2 की 1 टाइम, इधर 5 टाइम्स, तो रेशो क्या मिला, 1:5, ऑप्शन इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, 10 ईयर्स अगो पी वाज हाफ ऑफ क्यू इन एज, इफ द रेशो ऑफ देयर एजेस इज 3:4, देन द टोटल नंबर ऑफ
देन द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज हाउ मेनी ईयर्स. मतलब ये है कि 10 साल पहले पी जो था उसकी उम्र आधी थी किसके, क्यू के. अब करेंटली उनका जो रेशो है एज का वो कितना है, 3:4 है. देन द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, अब उनकी जो प्रेजेंट एज है दोनों की अगर मिक्स करें प्लस करें तो कितनी होगी, ये सवाल है. ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ यूँ है कि हम ये लिखेंगे कि P was half of Q in age. तो इन अदर वर्ड्स हम बोलेंगे कि Q जो है, Q is twice of age of P. मतलब अगर जो Q है उसकी एज, P की एज जो है वो Q के आधी है. मतलब ये है कि P की एज अगर 5 है तो Q की एज कितनी होगी, 10 होगी. अगर P की एज अगर 15 है तो Q की एज कितनी होगी, 30 होगी. मतलब P की एज हाफ है, Q की एज उसकी डबल, ये चीज़ है. ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट एज का रेशो देखें, 3:4 है. मतलब 3x P, ये P है और ये क्या है, Q है. तो 3x एंड 4x ये एज है. तो 10 साल पहले क्या होगा, 10 साल पहले ये होगा, अभी एज उनकी पी की क्या है, 3x और क्यू की क्या है, 4x. तो 10 साल पहले, 10 years ago, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 years ago. 10 years ago मतलब हम क्या करेंगे, 3x जो है, 3x इसमें से या 4x जो है इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 10. क्यों, क्योंकि 10 साल पहले की एज इनकी जो होगी 10 साल कम होगी, तो 10 साल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है, उसके बाद अब ये वाली कहानी पकड़ें, Q is twice the age of P या P was half the age of Q. तो ये दो चीज़ें हैं. तो Q की एज क्या है, Q की एज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P, मतलब Q इज इक्वल टू 2P. लेकिन कब, 10 साल पहले, और 10 साल पहले P की एज ये थी और Q की एज ये थी. तो Q की एज यहाँ पर आप लिख लें, Q की एज 10 साल पहले क्या थी, 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू P की एज 10 साल पहले क्या थी, ये थी 3x माइनस 10. तो बस इक्वेशन आपको बन गई, 4x माइनस 10 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये 6x, ये होगा तो माइनस 20. तो 4x जो है अगर इस साइड जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, 6x माइनस 4x, और ये माइनस का 20 इस साइड जाएगा तो किसका होगा, प्लस का, माइनस 10 प्लस 20. तो माइनस 10 प्लस 20 क्या होगा, प्लस का 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 4x क्या होगा, 2x. तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 5 इज इक्वल टू एक्स. तो अब देखिए एज कौन सी होगी, अभी करंट एज उनकी क्या है, 3x और 4x. तो x की जगह पर आप क्या रखेंगे, 5, 3x एंड 4x है करंट एज. तो x की जगह पर आप क्या रखेंगे, 5. तो ये 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15. ये एज है किसकी, P की, और 4 इंटू 5 ये हो जाएगा 20. तो ये किसकी एज है, Q की. P और Q की जो एज है 15 प्लस 20 टोटल कितनी हो जाएगी, 35. तो जवाब होगा इसका ए ऑप्शन. आई होप कि आपको ये जवाब समझ में आ गया है. इनकेस अगर आपको नहीं भी आता तो इसको दोबारा हम कर लेंगे. अगर आप YouTube पर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, तो किसी और तरीके से भी इसको हम कर देंगे. नंबर 57, द कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट्स इज 4800, देन द कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स. मतलब ये है कि 5 शर्ट्स की जो कीमत है वो कितनी है, RS रुपीज़ 4800. तो एक शर्ट कितने की होगी, सोचो, एक शर्ट इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाय 5. तो इसको 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल 9 टाइम लगेगी, 3 बचेंगे, 3 इधर जाएंगे तो 30 हो जाएगा, 5 की टेबल 6 टाइम्स लगेगी और ये 0 हो जाएगा. मतलब वन शर्ट इज इक्वल टू ₹960, 960 रुपये की एक शर्ट होगी. तो 5 शर्ट्स कितने की होंगी, 4800 की होंगी. लेकिन हमें किसकी चाहिए, 2 शर्ट की प्राइस चाहिए. तो इसका डबल कर दें, 2 शर्ट्स विल बी इक्वल टू 2 × 960. तो ये हो जाएगा 1820, 920 रुपीस. टू शर्ट्स इज इक्वल टू 920 रुपीस. ऑप्शन का क्या होगा, सी. क्वेश्चन नंबर 58 देखें, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको मैं HCF भी कहता हूँ, है ना. HCF कितना है, HCF है आपका कितना, 11. कितना है, 11. वाइल द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM जो है वो कितनी है, 66. और एक जो नंबर है, वन ऑफ द नंबर्स इज 33. फर्स्ट नंबर कितना है, 33 है. द अदर नंबर, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है, जिसको हम सेकंड नंबर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं. तो इसका जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है, प्रोडक्ट ऑफ
first number and second number is equal to HCF, HCF into LCM. ये फॉर्मूला है. तो हमारे पास जो वैल्यू है, फर्स्ट नंबर कितना है 33 है, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF कितना है 11 इंटू LCM कितनी है 66. तो 33 की टेबल वन टाइम, 33 की टेबल कितनी टू टाइम्स, तो इधर क्या बचा, सेकेंड नंबर किसके बराबर होगा 11 टू ज़ा 22. तो जवाब क्या होगा 22, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है. 59 देखें, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 67 सेंटीमीटर देन इट्स ब्रेथ विल बी. तो देखें, अगर कोई, अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसका पेरीमीटर, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से आपको ये समझा दिए हैं सवाल, ठीक है. तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर किसके बराबर है 28, मतलब लेंथ, ये भी क्या लेंथ, ये विड्थ और ये क्या विड्थ, मतलब एल प्लस एल प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, तो दो W हैं और दो L हैं, तो प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलता है, पेरीमीटर मिलता है. तो लेंथ ये कितनी दे रहे हैं, लेंथ दे रहे हैं 7, तो इसकी जगह पर हम क्या रखें, 7 प्लस W प्लस W इज इक्वल टू पेरीमीटर. पेरीमीटर कितना दे रहे हैं, पेरीमीटर है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 28. तो ये कितना हो जाएगा 14, प्लस ये कितना हो जाएगा 2W इज इक्वल टू 28. तो 14 अगर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2W इज इक्वल टू 28 माइनस 14 हो जाएगा, तो 2W इज इक्वल टू 28 माइनस 14 14 हो जाएगा. 2 की टेबल 7 टाइम्स, तो विड्थ या ब्रेथ जो है वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर. तो अब सोचिए आप कि इसका जवाब 7 है नहीं, इस पर भी आपको एक ग्रेस मार्क मिल जाएगी, नंबर वन, ठीक है. दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि ये अगर 7 सेंटीमीटर है ना, अगर इधर ऑप्शन भी होता तो ये रेक्टेंगल नहीं होता, ये क्या होता, स्क्वायर होता. क्या होता, स्क्वायर, क्योंकि लेंथ भी उसकी क्या है 7 और विड्थ भी क्या है 7. देखें तो अब चारों को ऐड करें कितना मिल रहा है 28. तो ये अब क्या है, रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि इसकी चारों साइड्स बराबर हैं. रेक्टेंगल में चारों साइड्स बराबर नहीं होती, अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर. ये दो साइड्स आपस में बराबर और ये दो साइड्स आपस में बराबर. तो दो ग्रेस मार्क्स आपको इस पेपर में मिल जाएंगी. दो गलतियां हैं आईबीए वालों की. नंबर 60 देखें, द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 11:7, 11:7, ठीक है. सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका सम क्या हो 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री आ जाए मतलब दो एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ जाए तो दो एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री. खैर, तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11x कर देंगे एंड 7x. एक एंगल है 11x, दूसरी एंगल है क्या 7x. अब दोनों का सम कितना होगा 11x प्लस 7x कितना होगा 180. क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स कहता ही यही है. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहता है कि दो एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री. अब इनको ऐड करें कितना हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 180. अब 18 की जो टेबल है ना, इधर वन टाइम इधर 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 10. अब x की वैल्यू अगर 10 मिल चुकी है तो आप इधर रखें, ये एंगल्स है ना, ये दो एंगल्स हैं, इसमें रखेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री, नंबर वन. 7 में करें तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री, तो ये दो एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है. अब इसका क्या मांग रहे हैं, अब देखें दो एंगल्स हैं ना, 110 डिग्री और 70 डिग्री, 110 और 70 टोटल कितना है 180 डिग्री, मतलब ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए. डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंगल्स इज, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, तो 110 माइनस 70 डिग्री, जवाब कितना होगा 60 डिग्री, कितना होगा, सॉरी 110 माइनस 70 40 डिग्री जवाब होगा. 110 में से 70 गए 40 बचे, ऑप्शन क्या होगा सी होगा. तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी. आज का ये पेपर था, शाम का अभी मेरे पास आने वाला है, जैसे ही आएगा तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा. आप मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़.